फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 21 है और कल यश का दिवाली आना लेके आने के बाद क्या मुझे थकान लगी है पूरे दिन की। और अभी दो तीन दिन से हमारे घर पे काम वाली भाई जी आ नहीं रही है। दो दिन के कपड़े कल मम्मी ने धोए थे, आज दो दिन के और इकट्ठे हो गए, अभी ये भी धो रही हूँ। और अगर मैं झाड़ू पोछा, अभी झाड़ू लगाया है, पोछा करने के लिए किसको बोला है वो आ जाए तो ठीक है, लग जाएगा। झाड़ू पूरे घर में लग चुका है, रूम में भी बहुत ज़्यादा बिखेरा हो गया था। सभी हंस थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह अवेरा है। मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अब खाना बनाना है, खाने में पूछते हैं क्या बनाते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं। मैं सोच रही हूँ दो तीन दिन के लिए काम वाली भाई जी को रख लूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब दिवाली का फुल सीज़न आ गया है। शॉप से भी कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं, कितने बजे आओगे, कितने बजे आओगे, कितने बजे फ्री होगे। सो इसीलिए सोच रही हूँ ऐसा कर ही दूँ। चिकू को एक बार पूछती हूँ, चिकू से एडवाइस लेती हूँ। खाने की अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं, अब खाने की तैयारी करूँगी। पोछा पोछा करी आलो, प्लीज़ करी आलो यार, मेरी तबीयत सही नहीं है। एटले चावल भिगाए यहाँ पर और ये दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल इधर भिगा दी है, तो मसाला पक रहा है दाल का। और आटा लगा देती हूँ, फटाफट रोटियाँ बना देती हूँ। 12:30 से पहले फ्री हो जाओ तो अच्छा है, टाइम अभी ये हो रहा है, नहीं हो पाऊँगी इतनी जल्दी। तो आटा भी मैंने लगा दिया है अभी। और आप मेरा फेस पास में से देखो, अभी यह बहुत ठंड आ गई है, थोड़ा ठंडा माहौल हो गया है, इसलिए पूरा स्किन है वो ड्राई हो गई है। स्किन केयर मेरा करना बाकी है इसलिए हुआ है, मेन रीज़न तो यही है। तो एक बार फटाफट से स्किन केयर कर लेती हूँ। एक काम करो दूसरा काम बढ़ जाता है। उधर ये भर गया, स्किन केयर करने के लिए बैठी थी तो मेरा, मुझे परफ्यूम दिख गया, तो आज मैं मेरा लगाने वाली हूँ बेला वीटा ऑर्गेनिक हनी वुड, जो कि बहुत अच्छा है यार। क्या खुशबू है, मस्त, बहुत जोरदार। अभी ये मेरा स्किन केयर पड़ा हुआ है, स्किन केयर भी कर देती हूँ। स्किन केयर किया फिर मुझे शांति पड़ी है। अब खाना खा लेती हूँ, मैंने मेरी प्लेट लगा दी है, फटाफट खड़े खड़े ही खा लेती हूँ क्योंकि शॉप पे कस्टमर आ गए हैं और चिकू भी थोड़े बिजी हैं, तो मैं ही खा लेती हूँ। मैंने खाना खा लिया है और मैं निकल जाती हूँ। कोई भी मिलेगा उसको बोल दूँगी मुझे छोड़ दो। और आज तो शूज़ ही पहनती हूँ, पैर अब धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो गए। आई थी तब से बिजी थी शॉप पे और काम करते करते कैसे 5 बज गई पता भी नहीं चला। रोशनी पता चला कैसे 5 बजे? कल रोशनी का बर्थडे है तो रोशनी यहाँ पर करवा रही है क्लीन अप। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो थक गए हैं आज तो बहुत ज़्यादा। मेकअप का ट्यूटोरियल भी बनाना है दिवाली के ऊपर, पर ना कोई कॉस्ट्यूम फिक्स है और ना ही कोई टॉपिक। अब ढूंढती हूँ और टाइम भी नहीं है। मैंने आज बनाना था पर आज टाइम ही नहीं मिला, आज बना दूँगी सोच रही हूँ। कंटिन्यूसली बिजी होने के कारण आज ब्लॉग कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, 7:30 बज चुकी हैं। परमानेंट कस्टमर थे इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अभी हमारी शॉप पर दिवाली का धमाका चल रहा है, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के ऊपर 1 get 1 फ्री का ऑफर चल रहा है अभी। तो आप शॉप करो, सिर्फ शॉप करो पे विजिट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी स्कीम मिल जाएगी एक। और अभी मैंने जिको को बुलाया है, वो लेने के लिए आ रहे हैं, घर जाएंगे। खाना बनाने की भी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं तो गई वो एनर्जी लाते हैं थोड़ी अंदर। हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया, ऐसे बोलो ना। बोलो मैं आ गया, यूं बोल दो। क्यों ना,
फिर अपन घर पे जाए, चलो घर पे जाते। हिमायरा गाड़ी चलाएगी, रिपीट कर दो। कहा रोमा दीदी यू कहती होगी ये अमन भी रोमा दीदी सिखाती है। कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ उत्ते उत्ते जाए आ जाओ। एक बार बोलो मैं आ गया, ये बोलो मैं आ गया व्लॉग में। मिट्टू का थोड़ी है, मिट्टू का पिंजरा तो अंदर है, बड़ा है। हाय मिट्टू, ऐसे बोलो ना। अंदर पशु निकालो, पशु पशु का भी अंदर है। नहीं कहाँ पशु रूम में, वो मतलब मैं ले नहीं रही। वो ये क्या है? चलो पशु ऐसे हाथ ऊपर कर दो, पशु लगा देती हूँ। मम्मी लगाएगी हिमायरा चली गई है उसके घर पर, क्योंकि इतने दिनों से आई है तो एकदम से अटैच नहीं हो पा रही है। तो पर मज़ा आया बड़े दिनों के बाद उसके साथ टाइम बिता के। और मम्मी ने घर पे आने के बाद दलिया बनाया था, पर दलिया मुझे खाना नहीं था, तो चिकू को बोला मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आओ, तो उनके लिए और मेरे लिए वो पिज़्ज़ा लेके आ गए हैं। ये रहा मेरा पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा, मस्त। अभी इंजॉय करती हूँ मेरा पिज़्ज़ा, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। घर पे आने के बाद पूरे दिन से बड़े थक गए थे, तो अब सो जाते हैं। और सोने से पहले हमने डिसाइड किया है कि एक मैं देख रही थी वेब सीरीज़, उसका नया सीज़न आ गया, तो वो देखूँगी पूरी रात मस्त। फिर जब नींद आ जाएगी तब सो जाऊँगी। यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।